खबर इस वक्त नवादा से आ रही है, जहां पर शराब से हुई मौत की जांच के लिए पटना से गई उच्च स्तरीय जांच टीम ने प्राथमिक जांच में अवैध शराब से मौत की संभावना जताई। मीडिया से बातचीत में उत्पाद आयुक्त ने कहा कि जिले में जो मौतें हुई हैं उसके पीछे अवैध शराब की संभावना हो सकती है। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि बेसरा और केमिस्ट जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। वहीं जांच टीम के पहुंचने के बाद अब जिला प्रशासन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मरने वालों की संख्या 15 हो गई है, जबकि इससे पहले डीएम एसपी सिर्फ 10 लोगों की मौत होने की पुष्टि कर रहे थे। वहीं अब इस मामले में जांच अधिकारी ने 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है और इसके साथ ही बुधौल के चौकीदार विकास मिश्रा सहित 2 लोगों को निलंबित किया गया है। जैसे जैसे हम लोगों का उसमें जिस भी स्तर से लैप्सेस पाए जा रहे हैं उसी स्तर पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्राइमा फेसी ये भी बता देते हैं, प्राइमा फेसी स्पूरियस लिकर का केस है। जैसे पहले भी बताया गया है, कंफर्मेशन कुछ केमिकल टेस्ट आने के बाद और दूसरा रिपोर्ट जब फाइनल आ जाएगी उसके बाद कन्फर्मेशन किया जाएगा। वहीं इस मामले पर सूबे के राजनीति गर्मा गई है और इसी कड़ी में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी ने अपने शासनकाल में नरसंहार की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, लेकिन नीतीश सरकार के काल में नरसंहार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि 29 मार्च को मधुबनी के बेनीपट्टी थाना इलाके के मोहम्मदपुर गाँव में गोलीबारी हुई जिसमें 5 लोग मारे गए, जिससे एक बार फिर सूबे में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार की जनता के मैं साथ हूं, उनके हर कष्ट में मैं खड़ा रहूंगा। आज चाहे शराब से मर रहे हों, चाहे मधुबनी का जो नरसंहार हुआ हो, एक जगह नहीं अनेकों जगह लगातार ये घटनाएं घटती जा रही हैं। व्यापारी समुदायों का जो अपहरण और उनकी हत्याएं हो रही हैं, कौन समाज